नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज जैन भारती और हमारे साथ हैं शादाब। आज हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस या का इंडिया गठबंधन का तालमेल कैसे होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हर कोई लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात थोड़ी आगे बढ़ती है, एक कदम आगे बढ़ती है, दो कदम पीछे हो जाती है। लेकिन अब जो है बात जो है पटरी पे आई है, दोनों दलों के बीच समाजवादी पार्टी कांग्रेस और जो है के नेता आपस में मिल रहे हैं और शुक्रवार को भी एक बैठक होने वाली है जिसमें कि इस बात पे चर्चा होगी कि आखिर वो कौन सा फॉर्मूला हो जिसके तहत जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़े, और क्या इस इंडिया गठबंधन में मायावती के लिए कोई जगह बनती है या नहीं बनती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। सदा पहले आप शुरू करिए। बिल्कुल, देखिए जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या मायावती इस गठबंधन का हिस्सा होंगी या नहीं होंगी, और ये सवाल जो राजनीतिक हलकों में गूंज रहा है। देखिए पिछली बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें सपा बसपा एक साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार जो तलखी है वो बेहद बढ़ी हुई है, यानी बुआ और बबुआ के बीच में काफी तलखी है। और जैसा कि सोर्सेज बता रहे हैं कि पिछली बार समाजवादी पार्टी ने साफ कहा था कांग्रेस से कि वो बसपा को इस गठबंधन में लेने की कोशिश ना करें क्योंकि बीएसपी पर भरोसा नहीं है समाजवादी पार्टी को। आपने देखा होगा कि जो पब्लिकली बाबा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बयान दिया कि आखिरकार मायावती पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। तो जो बातचीत होनी है उसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि क्या बीएसपी इसमें शामिल होगी। बीएसपी के एक नेता का भी बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मायावती को प्रधानमंत्री पद का अनाउंस इंडिया अलायंस घोषित करे तो मायावती इसमें आएंगी। हालांकि इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अब आपको बताते हैं कि जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें किसको कितनी सीटें मिली थी, तो ये मनोरंजन जी बताएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी में यदि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। दोनों चुनाव में कांग्रेस ने एक में दो सीट जीती थी 2014 में, और 2019 में केवल एक सीट जीती थी सोनिया गांधी। लेकिन गठबंधन की ये जो है बेसिस, ये दोनों चुनाव कांग्रेस नहीं मान रही है। कांग्रेस जो है का कहना है कि 2009 के चुनाव में वो उसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था जब उन्होंने 21 सीटें जीती थी। अभी हालांकि ये अलग बात है कि अब केवल रायबरेली तक सीमित रह गई है। अब यह वहीं पे समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देख लेते हैं, दो लोकसभा चुनाव में उनकी क्या स्थिति रही है। 2019 में सपा ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 38 सीटों पर बीएसपी ने चुनाव लड़ा था। बीएसपी का और सपा का गठबंधन था, बीएसपी को 10 सीटें मिली और सपा को 5 सीटें मिली। बीएसपी को जो वोट था सपा को 22.35% वोट 2014 में मिले थे, वहीं 2014 में कांग्रेस को 18% वोट मिले थे। ठीक है, अब बाबा हम आपको 2019 जो पिछला लोकसभा चुनाव नहीं 2014 में सपा को 18% वोट मिले थे और कांग्रेस को 6.5% वोट मिले थे। 2009 में समाजवादी पार्टी ने 23 सीटें जीती थी। तो ये है जो है पिछले चुनाव का आंकड़ा, 2019 का आंकड़ा एक बता दे जल्दी से दर्शकों को। देखिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और जनता दल एस जो उनका सहयोगी दल है उसको, अपना दल एस माफ कीजिएगा, उसको 2 सीटें मिली थी। और जो वोट शेयर था भाजपा का वो 49.98 था, यानी तकरीबन 50% वोट उसको मिले थे। और जो एनडीए का वोट था वो तकरीबन 52% वोट एनडीए को मिले थे। और यूपी में सपा बसपा और कांग्रेस ने अपने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था जैसा कि आप बता रहे थे, और उनका वोट शेयर जो है तकरीबन 40% था, यानी 39.23% वोट। तो ये जो 10% वोटों का अंतर है ये जो है चिंता बढ़ा रहा है इस गठबंधन की, क्योंकि वो जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा है और सपा बसपा एक साथ आए थे तो 10% वोटों का अंतर था। अगर मायावती इस बार साथ नहीं आती है तो, अगर मायावती अलग से लड़ती है तो वो अंतर बढ़ सकता है। तो आप अगर आप इससे समीकरण से समझने की कोशिश करें तो मायावती का साथ आना इस गठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन मायावती आएंगी या नहीं आएंगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बाबा आपको क्या लग रहा है? देखिए मुझे ये ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने आपस में मिलकर एक चुनाव देख लिया है। उसमें हुआ क्या कि उस चुनाव में ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के वोट तो बीएसपी में गए लेकिन बीएसपी का वोट जो है वो ट्रांसफर समाजवादी पार्टी को नहीं हुआ। इसके कई जो है यदि आप बिहार और यूपी के समाज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यादव बहुल इलाके में जहां यादव के पास सत्ता आती है तो अदर बैकवर्ड भी वहां से भागने लगते हैं, दलित भी भागने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब जो है पावर जो है ये अब इस समाज के पास है। तो ये एक राजनीति की सच्चाई है। बिहार में भी
और यूपी में भी ऐसा कई लोग मानते हैं, शायद ये एक वजह हो सकती है जिसके वजह से जो है बीएसपी के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया। यही वजह है कि बीएसपी के 10 सांसद तो जीत गए लेकिन सपा के केवल 5 सांसद जीते। अब कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस एक एक ईंट जो है जोड़ना चाहती है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस ने शुरू से ही एक विंडो जो है खोल रखा है मायावती के लिए। अब जो आने वाले दिनों में देखिए कई महत्वपूर्ण चीजें हो सकती है। मायावती जी का जन्मदिन होने वाला है। आपको कुछ पीछे ले चलूंगा, एक समय था जब मायावती का जन्मदिन था और रात में सोनिया गांधी फूल का गुलदस्ता लेकर के उनके घर जो हुमायूं रोड घर चली गई थी। और इस बार भी आपको मैं बताऊं कि ऐसी चर्चाएं हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे मायावती के घर जा सकते हैं, हालांकि ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। और आमतौर पर जब मायावती का जन्मदिन होता है तो उस दिन बहुत ज्यादा चंदे मिलते हैं और उनको गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन इस बार बसपा थोड़ी बदली है। उनके जो आकाश आनंद को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया है और आकाश आनंद इन सब चीजों से बच रहे हैं, वो चुनावी चंदा नहीं मांग रहे हैं लोगों से। वो कह रहे हैं कि आप पार्टी को मजबूत करें, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि मायावती के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता उनको जन्मदिन की बधाई देने जा सकता है, और उसके पीछे मकसद एक है कि मायावती को इस गठबंधन में लाना, लेकिन उससे पहले जरूरी है अखिलेश को तैयार करना, जो कि शायद अभी वो बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। अखिलेश जो समाजवादी पार्टी है उसका रुख जो है उनके तेवर करे हैं मायावती को लेकर के, क्योंकि कई मीटिंग्स में समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन की बड़ी मीटिंग्स में, आजकल तो छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही है जिस पार्टी का, जिससे कांग्रेस का अलायंस करना, जैसे आम आदमी पार्टी से करना है तो उनके नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के नेताओं से मिल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी मीटिंग में जो समाजवादी पार्टी के नेता ने पूछ लिया था कि क्या आप लोग बीएसपी से गठबंधन कर रहे हैं क्या, ये स्थिति अभी स्पष्ट कर दीजिए, उस पर लेकर के जो गोलमटोल जवाब जो है कांग्रेस की तरफ से दिया गया। लेकिन मेरी जानकारी है कि कांग्रेस चाहती है कि कोई भी गठबंधन ऐसा हो जो कि पुख्ता गठबंधन हो, तो उसमें क्या ये संभव है कि एक बीच में कांग्रेस रहे, एक साइड में समाजवादी पार्टी भी हो और दूसरे साइड में बीएसपी भी हो, क्योंकि आंकड़े के अनुसार देखें तो उन दोनों को मिला के 15 और एक सीट कांग्रेस 16 सीट ही जीती है। अब बाबा एक बार जल्दी से एक डेटा मेरे पास है वो भी बता देते हैं कि आखिरकार जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो बातचीत चल रही है उसमें कांग्रेस पार्टी किन सीटों पर दावा कर रही है, ये भी दर्शकों को बताना जरूरी है। देखिए अमेठी और रायबरेली तो उनकी परंपरागत सीट है जिसको वो मांग रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी लखनऊ से चुनाव लड़ना चाहती है, लखनऊ से वो चुनाव लड़ी भी है पहले। बदायूं, बलिया, प्रयागराज, सीतापुर, आंवला, इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दावा है। इसके अलावा कानपुर पर उन्होंने दावा किया है। आपको याद होगा बाबा कि वो श्रीप्रकाश जायसवाल लंबे समय तक कानपुर से सांसद रहे, कानपुर की शहरी सीट है वो कांग्रेस मांग रही है। प्रतापगढ़, फरुखाबाद, झांसी, प्रतापगढ़ से लड़ते हैं वो तिवारी जी का इलाका है, फरुखाबाद से सलमान खुर्शीद लड़ते हैं, झांसी से आपको याद होगा कि प्रदीप राय लड़े थे, बरेली से प्रवीण सिंह एरन कांग्रेस से सांसद बने थे, उन्नाव, मुरादाबाद से भी अजहरुद्दीन जीते थे, आपको याद होगा कि 2014 में अजहरुद्दीन चुनाव जीत गए थे। डुमरियागंज, ये जगदम्बिका पाल की सीट है, यहाँ वो लड़ते रहे हैं कांग्रेस से, बाद में वो अभी भाजपा में चले गए थे। महाराजगंज सीट पे भी कांग्रेस जीतती रही है। सुल्तानपुर उनकी परंपरागत सीट है, किसी टाइम में सतीश शर्मा यहाँ चुनाव लड़ा करते थे और अब ये भाजपा का गढ़ मानी जाती है और अभी भाजपा यहाँ मजबूत स्थिति में है। तो ये जो सारी सीटें हैं जो हमने आपको बताई, ये सीटें वो है जो कि कांग्रेस जो है वो चाहती है कि समाजवादी पार्टी इन सीटों को कांग्रेस को दे दे लोकसभा चुनाव के लिए। अब देखिए अब सीटों का बंटवारा कैसे होगा, एक आर्गुमेंट क्या होगा, यदि हम और आप हैं तो हम कैसे बांटेंगे सीटों को लेकर के। आपने कही है कि हम जो है केवल आपके लिए 15 सीट छोड़ दिया है, 10 सीट पे आप चुनाव लड़िए और बाकी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस का कहना है कि भाई साहब आप हमारे पास भले ही एक ही सांसद हो लेकिन आपके पास भी तो 5 ही सांसद है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 या 12 या 20 सांसद है, 80 की लोकसभा है वहां पे, आपके पास भी 5 ही लोग हैं, 5 ही जीते हुए, हमारे पास भी। लेकिन एक चीज आप और देखेंगे कि अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर 60 सीट से कम लड़ने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि वो 80 में कह रहे हैं कि कम से कम समाजवादी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वो 10 सीटें कांग्रेस को देना चाहते हैं, 5 सीटें वो आरएलडी को देना चाहते हैं और जो उनके छोटे छोटे दल हैं जो उनके साथ तो आर्गुमेंट यहाँ पे ये उनको देना चाहते हैं। आर्गुमेंट यहाँ पे ये आता है कि 2022 के चुनाव में सपा ने 111 सीटें जीती विधानसभा में और उनका वोट शेयर 32% रहा। कांग्रेस ने 399 सीटों पे चुनाव लड़ा, केवल एक सीट जीत पाई और उनका वोट शेयर
2.33 बहुत बुरी हार हुई तो थी, लेकिन... अब इसको आधार बना रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग होता है, आप इसको आधार मत बनाइए। हमने जो है 2009 में इतनी सीटें जीती थी तो हमारी भी एक समय ताकत थी, समझ गए। तो इस चीजों को लेकर के वहां पर बात हो रही है, और ये जो मायावती को लाने की भी बात हो रही है, कांग्रेस एक बार फिर अखिलेश यादव को समझाने की कोशिश कर रही है कि आप अपना दिल थोड़ा बड़ा करें, इसको एकोमोडेट कर किया जा सकता है बीएसपी को। इसलिए जो अभी ताजा जानकारी के अनुसार एक जो समाजवादी पार्टी की मीटिंग हो रही थी, एक विधायक ने या एक नेता ने मायावती के बारे में कुछ कहा तो अखिलेश यादव ने उनको डांट लगाई, कहा कि नहीं नहीं आप वो सीनियर हैं, बड़ी हैं, आप कम से कम सम्मान के साथ उनकी बात कहें। अच्छा बाबा, आप बीएसपी की बात कर रहे हैं तो एक और दिलचस्प आंकड़ा दर्शकों को बताते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो बसपा की जो ताकत है वो सुरक्षित सीट मानी जाती है, और जो 17 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति के लिए उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, और इसमें से जो है मैं आपको सीटें भी बताता हूं, जो सीटें जो है बसपा ने चुनाव लड़ा था जब सपा बसपा कांग्रेस का गठबंधन था, तो मछली शहर, लालगंज, बांसगांव, जालौन, मिश्रिक, मोहनलालगंज, शाहजहांपुर, आगरा, बुलंदशहर, नगीना, ये वो सीटें हैं जहां बसपा ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे जब कांग्रेस बसपा और समाजवादी पार्टी का अलायंस था। और जो सुरक्षित सीटें और हैं जो सपा ने ले ली थी वो थी हाथरस, हरदोई, इटावा, कौशाम्बी, बाराबंकी, बहराइच, सात सीट सपा ने ली थी और 10 सीट बीएसपी ने ली थी लेकिन 17 जो सीट है, लेकिन 10 बीएसपी जीती थी, हालांकि सभी सुरक्षित पर नहीं जीती थी, लेकिन उनका आंकड़ा 10 सीटों तक पहुंचा था, यानी समाजवादी पार्टी से डबल सीटें कांग्रेस बसपा ने जीती थी। तो इसमें इस आंकड़े से ये भी जाहिर हुआ कि क्योंकि उन्होंने केवल सुरक्षित सीटें बाहर से भी, इसका मतलब सुरक्षित सीटों पर भी अब बीएसपी सुरक्षित नहीं है, ये कहा गया कि सुरक्षित वाली सीटें जो है, जो एक समय गढ़ माना जाता था बीएसपी का, यदि वहां पे और आप कुछ परसेंट वोट ऐड करें तो वो सियोर शॉर्ट सीट थी, वहां पे भी बीएसपी हारी थी। अब तो सुरक्षित सीटों पर भाजपा का दावा हो गया। आप तमाम राज्यों में देखें तो भाजपा जो है वो सुरक्षित सीटों पर जीत रही है। और एक सपा का भी के बारे में भी एक दिलचस्प जानकारी और दे दें कि जो जब 2000 जो पिछला लोकसभा चुनाव था उसके बाद उत्तर प्रदेश में 3 लोकसभा चुनाव हुए और आजमगढ़ और रामपुर जैसी अपनी परंपरागत लोकसभा सीटें भी समाजवादी पार्टी ने गवा दी। अखिलेश यादव जहां से आजमगढ़ से चुनाव जीतते रहे वो सीट उन्होंने गवाई, और रामपुर गवा दी जहां पे आजम खान चुनाव जीतते रहे और अखिलेश यादव आजमगढ़ चुनाव जीतते रहे। तो पिछली बार डेंट लगा समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा भाजपा से, तो ये सब भी असर जो है इन चुनावों पर करेगा। और यही वजह है कि आप देखें कि समाजवादी पार्टी का रुख जो है ना, वो राम मंदिर को लेकर के थोड़ा सा नरम दिखता है, क्योंकि वो भी जो है ना इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। हालांकि अखिलेश यादव से आज ही पूछा गया कि आपको निमंत्रण मिला, आपको डाक के जरिए से निमंत्रण भेजा गया, तो उन्होंने बोला मुझे डाक से यदि निमंत्रण भेजा गया तो मैं डाक के जरिए ही जवाब दूंगा। लेकिन अभी भी मुझे लगता है अभी भी हमें उत्तर प्रदेश में गठबंधन को इस तरह से क्लोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक चीजें हैं, इसमें वक्त लगता है और इसमें आपको रियलाइज कराया जाता है आंकड़ों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर। और ये भी कहा जाएगा कि 22 जनवरी के बाद क्या माहौल उत्तर प्रदेश में बनता है, उसमें यदि आप इकट्ठे नहीं रहोगे तो क्या आप वो 5 सीटें भी बचा पाओगे। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, और राजनीति को कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल होती है और समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, और कौन कब किस दल के साथ चला जाए और कौन किस दल का साथ छोड़ दे। आप याद कीजिए कि जब गठबंधन हुआ था तो कहा गया था बुआ बबुआ की जोड़ी है जो कि उत्तर प्रदेश में चमत्कार दिखाएगी, लेकिन नहीं हो पाया। आप थोड़ा और पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि दो लड़कों की जोड़ी कहा गया था जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ आए थे, साथ में रोड शो भी हुआ था और भीड़ जुटती थी लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई वो भीड़। तो इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी मतलब यूपी में अपोजिशन ने सारे प्रयोग कर लिए हैं, प्रयोग में सफलता मिल नहीं रही है, लेकिन क्या अब ये तीनों इकट्ठे लड़ें, पहली बार होगा तीनों एक तरह से इकट्ठे लड़ें और बाकी सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश करें, बाकी छोटी छोटी पार्टियों को भी जगह दें, जैसे कि विधानसभा चुनाव में जो है अखिलेश यादव ने करने की कोशिश की थी। हालांकि उन्होंने एक एक चीज जो है अलग अलग जातियों की जो पार्टी है उन सबको साथ लिया था, एक अलायंस बनाया था जिसमें निषाद पार्टी थी, बाकी पार्टियां भी थी उसमें। तो क्या उस ढंग की चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो अपने गठबंधन के साथ तैयार है, उन्होंने उनको मालूम है
कि इस पॉकेट में अपना दल का है, इस पॉकेट में राजभर का है, इस पॉकेट में बाकी जातियों का है, तो उन्होंने उस ढंग से अपनी अपनी रणनीति बनाई है। क्या अखिलेश यादव उन सारी जातियों को, कुर्मी की जो जाति है या फिर जो निषाद है, क्या उन सबको साधने के लिए एक ऐसा कोलिशन बना सकते हैं या उन नेताओं को जगह दे सकते हैं जो कि लोकसभा चुनाव में इम्पैक्ट कर सके? क्योंकि मंदिर के 22 तारीख के बाद वो एक अलग परिस्थिति उत्तर प्रदेश में हो सकती है, और बीजेपी इस बार 80 के 80 सीट जीतने की कोशिश करेंगे, और ये होता है तो एक समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों के सर्वाइवल पर चुनाव सर्वाइवल पर असर पड़ेगा। और अब मायावती के बारे में ये कहा जाने लगा है, राजनीतिक हलकों में बात करें तो, कि वो चुनाव ही नहीं लड़ रही है। अब इसकी क्या वजह है? उनकी उतनी मजबूत पार्टी होती थी, उनकी पकड़ क्या कमजोर हो गई है? ये एक देखने वाली बात होगी कि मायावती किधर जाती है, जिधर जाती है उधर कितनी मजबूती से खड़ी रहती है। तो देखिए, सबसे सबसे बड़ी बात यही है कि जो उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यह तय करना है कि वो बसपा को अपने साथ लाती है कि नहीं लाती है। कांग्रेस ये चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में साथ आ जाए, लेकिन अखिलेश यादव उसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब क्या अखिलेश यादव का रुख बदलता है? अगर ये रुख नहीं बदलता है तो बसपा बिल्कुल अलग लड़ेगी। हालांकि मायावती ने अपने पत्ते नहीं खोले, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि मायावती नहीं कुछ बोल रही है। मायावती अभी भी दोनों को बुरा भला कहती है, अपने इक्विडिस्टेंस बना रखा है। लेकिन हमें और आपको मालूम है कि मायावती के साथ भी एक भाया मीडिया बात हो रही है। और खड़गे, मुझे लगता है कि क्या पता उनके बर्थडे पे, जैसा आपने कहा, खड़गे साहब गुलदस्ता लेके चले जाए और एक नई शुरुआत हो। इसका और इसका प्लान बी भी मुझे लगता है कांग्रेस ने कर रखा है कि यदि मायावती नहीं आती है तो क्या उनका वोट बैंक, जो जिस पर कि अब कहा जा रहा है कि बीजेपी का कब्जा है, क्या खड़गे साहब को एक दलित नेता के रूप में, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, क्या उनको उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाया जा सकता है? इस पर भी एक बहुत ज्यादा थिंकिंग हो रही है। तो क्या ये प्लान बी के तहत ये किया जा रहा है? क्या क्या कुछ होगा राजनीति में, आप अगले कदम पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो राजनीतिक हलकों में जारी है। तो बिल्कुल, अब हम लोग इस चर्चा को वाइंड अप की तरफ ले जाएंगे, और जो फाइनल कमेंट है वो यही है कि अगले 48 घंटे में ये सब कुछ साफ हो जाएगा कि क्या बसपा जो इंडिया अलायंस है उसके साथ आती है या नहीं आती है, क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर राम गोपाल यादव और मेन नेता होंगे, और उसके बाद उनके उनका डेलीगेशन साथ में आएगा, और कांग्रेस पार्टी की जो कमेटी है जो कि जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश और मुकुल वासनिक जैसे नेता शामिल हैं, ये साथ में आएंगे। तो इस बातचीत में क्या नतीजा निकलता है ये सामने आएगा। तो बाबा, आपका फाइनल कमेंट क्या है इस पूरे उस पे? मेरा फाइनल कमेंट यही है कि कोई भी कोलिशन यदि आप बनाते हैं और उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख के बनाते हैं और 80 सीटों वाली जगह है, तो वहां आपको चाहिए होगा कि सबको इकट्ठा जोड़ें। अब इसमें मायावती जी का रुख क्या है, हमें आपको मालूम है कि कांग्रेस का रुख उनके लिए नरम है, हमें आपको मालूम है कि समाजवादी पार्टी का रुख उनके लिए बड़ा सख्त है, मायावती जी का भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत सख्त है। लेकिन क्या बड़े लीडर जाते हैं? यदि सोनिया गांधी उस बार चली गई थी तो बात बन गई थी ऐसा कहा जाता है, इस बार क्या खड़गे साहब जाएंगे तो क्या बात बन सकती है? या फिर उन्होंने सोच लिया है कि उनको बीजेपी और कांग्रेस से डिस्टेंस, दूरी ही रखनी है? यदि ऐसा होता है तो विपक्ष कहेगा कि आप बीजेपी से मिली हुई हैं, वो यही आरोप समाजवादी पार्टी पे लगाती हैं। तो इस राजनीतिक के इस दशा में मंदिर के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो नई परिस्थिति उत्पन्न होगी वो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी दोनों के अस्तित्व पर एक उनके लिए एक अपना अस्तित्व बचाए जाने का एक संकट होगा। क्या उसमें उसके दबाव में आकर क्या वो इकट्ठा होती है? ये भी देखना होगा कि कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ नहीं, बसपा जो है क्या इस अलायंस में आने के लिए तैयार होगी? देखिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस तो कह रही है कि आप आ जाइए, अखिलेश कह रहे हैं कि नहीं लेना है, लेकिन मायावती क्या चाहती हैं इसके पत्ते उन्होंने अभी तक नहीं खोले। और मायावती क्या चाहती है किसी को मालूम नहीं है। यदि कोई कहे कि हमें मालूम है तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मायावती ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया, आकाश है। अब आकाश जो है वो कितनी ऊंचाई तक जाना चाहेंगे ये उनके आने वाले राजनीतिक कदमों पर ही तय किया जाएगा, और उसकी शुरुआत जो है इस 2024 के चुनाव में। तो आकाश भी चाहेंगे कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरुआत जो है अच्छे ढंग से करें, एक पॉजिटिव नोट पे करें। क्या वो उसी तरह की राजनीति करेंगे जिस अकर के साथ मायावती ने राजनीति करी है?
मतलब इतनी बार चीफ मिनिस्टर तो रही है ना भाई, अपने दम पे भी चीफ मिनिस्टर, अपने दम पे भी चुनाव सरकार बनाई है उन्होंने, कानून व्यवस्था को लेकर लोग आज भी याद करते हैं कि बहुत अच्छी कानून व्यवस्था रही थी उनके समय। और मैंने उनकी रैलियां वो करी है, कवर करी है, भीड़ ही भीड़ आती है लोगों को, ऐसा नहीं होता कि कोई बस में वो अरेंज कर रहे हैं, खुद ही आते हैं। क्या वो जादू बचा हुआ मायावती का, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके इस लोकसभा के पहले मायावती का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं था, समझ गए ना। पिछले विधानसभा चुनाव में हालांकि वो जादू नहीं चल पाया, आपने देखा कि वो जादू उनका नहीं चला, लेकिन लोकसभा चुनाव जो है मायावती के लिए भी बड़ा बहुत क्रूशियल है, उनकी पार्टी के लिए क्रूशियल है और उनके उत्तराधिकारी के लिए क्रूशियल है, और उतना ही क्रूशियल जो है वो अखिलेश के लिए, कांग्रेस के लिए तो कुछ खोने के लिए है नहीं, एक सीट जीत रही थी, एक सीट फिर जीत जाएगी। इस बार कहा जा रहा अमेठी भी राहुल गांधी लड़े तो हो सकता है, सोनिया गांधी यदि अमेठी से लड़े तो प्रियंका या प्रियंका लड़े, कर्नाटक से चुनाव लड़ने की भी सोनिया गांधी की चर्चा है कि मेढर जो तेलंगाना से भी, तेलंगाना से भी वहां से वो जो है चुनाव तो लड़ सकती है, वहां की जो कांग्रेस कमेटी है। तो ये जो दो मेन है ना, अखिलेश और मायावती, इन्हीं को तय करना है कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए उनको बैठ करके आपस में बात करनी होगी। मीडिएटर के रूप में एक मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा शख्स और एक सोनिया गांधी जैसा जो पॉलिटिकल मैच्योर पर्सन है, जो कि ये पहले भी वो कर चुकी है। तो अब देखते हैं इंडिया अलायंस का भविष्य यूपी में क्या होता है। नमस्कार।